जय माता दी यात्रा होगी ये शुरू। और ये यहाँ पर जय माता दी श्राइन बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसमें जाओ, अपना नाम बताओ, पिन कोड और एक फ़ोटो खींचेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ से ऑटो भी कर सकते हो आप, जो मेन गेट तक, जहाँ से मतलब चढ़ाई की एंट्री शुरू है वहाँ तक, वहाँ तक ही आपको छोड़ देंगे। पर ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर होगा, हम पैदल ही चलेंगे। हम आए हैं सामने से, अभी हमें 1 किलोमीटर हुआ है वहाँ, और अभी ऐसे जाना है इस पर ऊपर, और मैं दिखाऊंगा आपको, हमें जाना है नीचे वहाँ। अब ये पता नहीं कितनी ऊपर जाकर नीचे रास्ता कट रहा है, और फिर वो सामने से ऐसे जाके उधर से, और फिर वो ऊपर जा रहा रास्ता, उजारा, और फिर जाना वहाँ जाना। तो अभी तो स्टार्ट हुआ काम। ऐसे बता था मुझे, देती वीडियो रख लिया वीडियो। तो ये है वो गेट सामने, जो एंट्री का गेट है, यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे भी लगेज चेक होगा और आपकी चेकिंग होगी, और वो रजिस्ट्रेशन कार्ड देखेंगे। तो यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे, हम बट ठंड है, चलते हैं और कराते हैं लगेज चेकिंग। ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हो, ये सीधी भवन से आ रही है वीडियो, मतलब भवन की है, और दिखा दूँगा आपको चारों तरफ का व्यू। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है आज, मतलब अभी से ही अच्छा लगने लगा, ऊपर जाके तो और अच्छा वेदर मिलेगा। चेकिंग हो गई है हमारी भी और बैग की भी। बैग में है क्या, वाटर बोतल है और एक जैकेट है बस, बाकी सामान तो हम सारा रूम पे छोड़ कर आए हैं। और चेकिंग के बाद यहाँ से स्टार्ट होगी ये चढ़ाई, और अब चलेंगे जय माता दी नया रास्ता ताराकोट मार्ग। ये है बाणगंगा बाथिंग घाट। भवन के लिए जाने से पहले यहाँ स्नान करते हैं, और यहाँ से नहा के जब चलते हैं ऊपर, तो आपको दिखा दें कैसा बन रहा है ये बाथिंग घाट। और वो खा रहे थे।
अभी आ रहा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं सामने। वेदर और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है, लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो वो जो सामने रेलवे स्टेशन है, नीचे इतनी हाइट पर आ गए हम। भाई वहां से आए थे हम, जहाँ नीचे है वो, और वहां से देखो कहाँ गए। ठंड हो रही है बहुत, मौसम भी ठंड ही है। पहले से ही ठंड थी और बारिश भी पड़ने लगी, अब तो ज़्यादा ठंड होगी। इसको वहाँ स्टार आगे वजह से और कुछ बारिश पड़ती है तो ज़्यादा ठंड होगी। टेम्परेचर माइनस में इस टाइम। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पर और बहुत बुरी तरह थक चुके हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। बारिश पड़ रही थी क्योंकि अभी भी बारिश पड़ी हुई है, इसलिए हम टीन के नीचे खड़े हैं और अब चल रहा है हमें भवन की तरफ। लगातार बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है और ये व्यू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर है -2 degrees और बारिश अभी भी पड़ रही है और ज़्यादा ठंड हो चुकी है। थक चुके हैं पूरी तरह और अब भवन पर पहुंचने वाले हैं। बस मुश्किल से यहाँ से 1 kilometer रह गया भवन और दर्शन करेंगे अच्छी तरह। तेज़ बारिश होने के कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हमने दर्शन अच्छी तरह कर लिया और अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 8:30।